गांधी का अहिंसावाद उतना ही सही है जितना कि मोदी के 15 लाख देने वाले जुमला। गांधी का अहिंसावाद उतना ही तत्परक है जितना राहुल गांधी और गांधी परिवार का दत्तात्रेय ब्राह्मणों ने। गांधी का अहिंसा उतना ही नाटकीय है जितना कि ये वाले वीडियो। कांग्रेस के सेकुलरिज्म और गांधी के हिंदी प्रेम का कोई तुलनात्मक या तुलना नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजों ने किया था और गांधी जी अफ्रीका में अंग्रेज के लिए काम करते थे। गांधी जी को क्रांतिकारियों आतंकवाद और विशेष शांति दूतों में भगवान का पास दिखता था। आज तक तो ये भी नहीं पता चला कि गांधी जी ने हरिजन किसे कहा था और दलित किसे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए दलित शब्द ने समाज में एक खाई जरूर बना दिया है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दलित का मतलब किसी विशेष जाति या समाज से नहीं बल्कि गरीब से है। गांधी उतने ही अहिंसक है जितने की विशेष शांति दूत। गांधी का देश प्रेम उतना ही सही था जितना कि कन्हैया कुमार का। गांधी उतने ही सत्यवादी थे जितना कि चुनाव के समय में नेताओं के झूठे वादे होते हैं। शांति प्रिय गांधी जी का विशेष शांति दूत से विशेष लगाव होने पर भले ही किसी ने सवाल ना उठाया हो, लेकिन सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गांधी गाय को पूजते थे कि बकरी को, क्योंकि तो गाय पूजने वाले कभी गाय को काटने वाले या से दोस्ती नहीं कर सकता, उसको उससे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन बकरी पालने वाले उसी बकरी को काटते हैं विशेष मौके पर। शांति प्रिय गांधी जी के मृत्यु के बाद उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी और जिन्ना समर्थकों के द्वारा नरसंहार किया गया जैसे कि 1984 में इंदिरा हत्या के बाद सिखों के साथ। गांधी ने हिंदू प्रेम और अहिंसा वादी हथियार से हिंदुओं को इतना नपुंसक बना दिया कि वो 1947 में जवाब तक नहीं दे पाए। गांधी जी का त्याग भावना भी अरविंद केजरीवाल से कम नहीं था। जिस प्रकार से केजरीवाल ने आंदोलन में कहा था कि गाड़ी नहीं लेंगे बंगला नहीं लेंगे, आज सब कुछ लेके बैठा है। आते ही विधायक के तनख्वाह भी बढ़ा दिया। बंगले के भीतर 9 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी ने के सेवा में कई लोग लगे होते थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को विशेष रथ दिया था जिसे गांधी जी जिस पर बैठकर अहिंसावादी आंदोलन में जाया करते थे और अहिंसावादी गांधी जी उसी पर आते जाते थे। उसे कोई घोड़ा नहीं बल्कि इंसान खींचा करता था या उसे खींचते हुए ले जाते थे, लेकिन उस अहिंसावादी के दिल कभी पसीजा नहीं। आज तक किसी सरकारी महकमे में गांधी जी को बापू का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन नेता जो भी हो गुजरातियों की चापलूसी करने के लिए बापू बापू करते हैं। भारत माँ के कोई लाल हो सकता है जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, कोई बापू कैसे हो सकता है। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन देखिए तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी कितने आदर्शवाद और अहिंसा परम धर्मी थे। एक बार उतने उनके पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और अंग्रेज ने उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए सलाह दिया, लेकिन गांधी जी इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया क्योंकि वो अहिंसा का पुजारी थे और इंजेक्शन लगाने को हिंसा मानते थे, जिसके कारण उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अपने बेटे के शराब छुड़ाने के नाम पर इस्लाम कबूल करने से उनको कोई प्रयोजन नहीं था। अहिंसावादी के लिए इंजेक्शन लगाना तो हिंसक हो सकता है, लेकिन मांस खाना अहिंसक नहीं था। इसी कारण उस फूल सी बच्ची को इस्लामिक उत्पीड़न का सहन करना पड़ा क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के बेटे ने जो किया उसके लिए गांधी जी को कोई आत्मग्लानि नहीं हुआ। क्या गांधी जी के बेटे के द्वारा मांस खाना और अपने ही पुत्री का सील बंद करना हिंसा नहीं था? ये सवाल आज हर हिंदू पूछ रहा है और हर भारतीय पूछ रहा है जो भारत माँ का पुत्र। गांधी जी के सत्य वचन में भी सत्यता कितनी थी? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि भारत का बंटवारा मेरे लाश पर होगा, लेकिन गांधी जी विभाजन के बाद भी जिंदा थे। उन्हें तो नुआखली और विभाजन कालीन मानवीय विवेचना से भी कोई दुख नहीं हुआ था। किसने किसने कहा कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था? भारत को मुगलों से भी छुटकारा चाहिए था। भारत 150 साल
पुराने गुलामी के जंजीर से नहीं, उससे पहले भी लुटेरों आतताई मुगलों के दंश झेल रहा था, जिसके लिए सिख के दसों गुरु ने अपना बलिदान दिया। हाँ भला तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह और उनके दसों गुरुओं को कौन भूल सकता है, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, जिसके लिए वीर शिवाजी ने तलवार उठाया था। हमें उस क्रूर मुगलों ने से भी आज़ादी चाहिए थी, बंटवारा नहीं। लेकिन क्या गांधी ने तो बंटवारा करवा दिया। सबसे बड़ी बात, जिसने पाकिस्तान पसंद किया तो उसके बाद भी हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में रहा। पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ लेकिन हिंदुस्तान में शांति रहा, क्योंकि गांधी ने अपने अहिंसा के हथियार से हिंदुओं को नपुंसक बना दिया था। सबसे बड़ी बात, गांधी जी की हत्या के बाद हजारों की संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता और ब्राह्मणों की हत्या की गई, वो भी सुनियोजित तरीके से। जिस समय में तथाकथित पंडित नेहरू सत्ता में विराजमान थे, मराठा और ब्राह्मणों को लड़ाया गया। यह घटना 1984 की घटना से भी ज्यादा विभत्स था। जिस प्रकार से नुआखली को किसी वामपंथी इतिहासकार ने नहीं लिखा था, उसी प्रकार इस घटना पर का भी जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से भी पूछना होगा, जब किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो आखिर गांधी जी को बापू कहकर क्यों बुलाया जाता है? क्या मातृभूमि के कोई पति या पिता हो सकता है? जब रामकृष्ण धरती के पुत्र हैं तो गांधी जी पिता कैसे हुए? अगर आपको इस पिता से इतना ही मुंह है, आखिर बीजेपी के दफ्तर में गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं लगवा देते? नवोदय टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक, पूरे देश को अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए। 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से अब तक देश इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। गोली लगने के बाद गांधी जी इस देश को अलविदा कह गए, इसके बाद भी वे देश के करोड़ों लोगों के जहन में जिंदा है। गांधी जी तो चले गए लेकिन देश के लिए वसूल और सिद्धांत की एक ऐसी मसाल छोड़ गए कि आज तक देश उसे सलाम करता है। अपने पूरे जीवन में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बापू देश के लिए सीख देते रहे कि अहिंसा ही उन्नति और विकास का सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन खुद गांधी जी की हत्या के बाद देश हिंसा की आग में जला। जगह जगह मारपीट, पथराव और एक जाति विशेष के खिलाफ प्रायोजित हिंसा और का दौर चला, जिसे देखकर देश और खासतौर पर गांधी जी के विचारों को मानने वाले आहत थे। गांधी जी की हत्या के बाद देश भर में आरएसएस के प्रति लोगों में गुस्सा देखा गया और स्वयंसेवकों को सड़कों पर पीटने की घटनाएं हुई। इस चिंता का सबसे ज्यादा विकराल रूप महाराष्ट्र में देखने को मिला। पूरे प्रदेश में चित पावन ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया और उनके चुन चुन कर हत्याएं की गई। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इस हिंसा में सैकड़ों चित पावन ब्राह्मण की हत्या की गई थी, जिसकी ना तो सरकार की ओर से कोई पुष्टि हो पाई है और न ही उनके परिवार और परिजनों का कोई रिकॉर्ड रखा गया है। गांधी जी की कैसे हुई थी हत्या? 30 जनवरी 1948 को हिंदू सभा के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने बरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल से भरी भीड़ में गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या से पहले गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान गोली मार दी गई गांधी जी के सामने से, उनके सीने में गोलियां दाग दी। इसके चलते देश के एक महात्मा खो दिया। गांधी जी की हत्या के बाद देश भर में दंगे शुरू होने लगे। आरएसएस के लोगों को पीटा जाने लगा। इसके साथ ही आरएसएस के गुरुजी महादेव सदाशिव गोलवलकर के घर पर हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बचा लिया। उस घटना के बाद से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ब्राह्मण विरोधी ध्रुवीकरण शुरू हुआ। पुणे में गोडसे के अखबार के कार्यालय में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्ववादी अखबारों के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। हिंसा की आग इतनी भयानक थी कि इसमें करीब 50 लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि गोडसे चिता पावन ब्राह्मण थे, जिसके चलते मराठाओं ने पावनों को अपने निशाने पर लिया। धीरे धीरे आग इतनी फैल गई कि सीधे तौर पर ब्राह्मणों और मराठों के बीच का दंगा बन गया। आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। गांधी जी की हत्या के बाद जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल आरएसएस पर बैन लगा दिया। इस तरह के प्रतिबंध कई बार लगे। हालांकि इसके बाद भी स्वयंसेवक ने इसका विरोध नहीं किया। गोडसे की गिरफ्तारी के बाद भी नाथूराम ने कहा कि वह गांधीवादियों से तर्क करना चाहते हैं। मैंने गांधी को व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक कारण से मारा है, गोडसे ने कहा, ताकि उसने एक
इंसान की हत्या की है इसके लिए उसे फांसी मिलनी चाहिए, इसी आधार पर गोडसे ने हाई कोर्ट में अपील नहीं की। गांधी जी की हत्या की साजिश रचने के मामले में नाथुराव गोडसे और सहयोगी नारायण आप्टे उप नाना को अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। लेकिन इस सारे घटनाओं को जो दंगा हुआ 1947 में दंगा हुआ, उस समय नेहरू न कि भारत की बल्कि पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री थे। वो सारा उनके अंडर था जब तक जिन्होंने कमान नहीं संभाला था, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, माता बहनों को इज्जतें लूटी गई और क्या क्या विवेचनाएं हुई वो हम ऐसे बता नहीं सकते। आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? आज तक इन सबका जिम्मेदार वही लोग